बावल गांव खिजुरी में 30 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ग्रामीणों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूचना मिलने के बाद देर शाम बावल पुलिस इस गांव में पहुंची और शव को बावल के नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवाया। सोमवार को पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में एसएचओ बावल रणसिंह ने बताया कि गांव खिजुरी निवासी मृतक करतार के शव को आज पंचनामा कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। मैं जी एक सरपंच खिजुरी अमर सिंह। कोई बच्चा इस पर होया आपका, क्या है मामला? हाँ, वो मामला ये था, वो शराब पीता था और शराब पी कर घर आकर अपनी वीर बनी पीट रहा था। मैं को वापस भाग आया, मैं आकर के उसके दो चार डंडा मारा और फिर बाद के मान रही मतलब वो भाग गया कहीं। फिर मैं वो बहुरिया कुछ गलत होने लगी तो उसने आके डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर के उन्हें अक्सरा उक्सरा करवाया मैंने। फिर घर से फोन आया भाई वो लड़का तो फांसी खा गया। हम जी यहाँ से भागे तो वह घर से तीन बालक था, उन्हें वो उतारा फांसी से और गाड़ी में गैर के और नंगली चौक का थोड़ी सी पर रहेगा था। जब हम पहुँच गया था उस तो मैंने देखा भाई के रोड से गुलबाग तक तो जीवे थे वो। फिर मैं देखो जो मरे पाए मैं जी उसको वापसी लेता गया और भाई लोग बाग बोला भाई दाग दे दो कुछ बात ना जी। किसी ने शिकायत कर दी गाँव में से, यहाँ से पुलिस चली गई दाग देने के ऊपर। वो शमशान घाट से पुलिस को लाश को ले आई तो अब उसका कार्रवाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं पता नहीं। क्या नाम था वो बेटे का, कितने साल का था? करतार था जी, करतार गाँव था मेरा बेटा का और वो कमती 32 साल का लड़का था और उसका दो लड़का हैं, एक लड़का 8-9 साल का है, एक लड़का 4-5 साल का है। अब कार्रवाई देखो जी क्या कर रहे हैं ये अभी कोई पता नहीं हमें। इस आगे डेड बॉडी अस्पताल में है। खिजुरी का शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर हमने मृतक करतार का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम और डेड बॉडी वारसान को हवाले की। मौत की जो अब तक सामने आई है, शराब के नशे में मानसिक रूप से परेशान रहता था, उसने अपने घर पर फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या की। हाँ, पोस्टमार्टम करा कर वो डेड बॉडी हवाले कर दी।